जो होनी को अनहोनी कर दे और अनहोनी को होनी, अमित शाह वही नाम है। बायोकेमिस्ट्री से ग्रेजुएशन करने वाले अमित शाह ने जब बीजेपी की कमान संभाली तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स की केमिस्ट्री ही बदल कर रख दी। शाह जहां जहां प्रचार करने गए, जिधर उनकी निगाह पड़ी वहां कमल खिलता चला गया। उनकी इस बुलंदी से ही शाह को नया नाम मिला, चाणक्य। आज सियासत के इसी चाणक्य का जन्मदिन है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष, जिसमें आज बात हो रही है गृह मंत्री अमित शाह की। मई 2019 की शाम, अमित अनिल चंद्र साह, इधर दिन का सूरज अस्त हो रहा था, उधर भारतीय सियासत में एक नेता का उदय हो रहा था। अमित अनिल चंद्र साह, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। यानी वो तारीख जब सरकार के शाह यानी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने गृह मंत्री पद की शपथ ली और यहीं से शुरू हुई भारत में परिवर्तन की नई कहानी। गुलाम नबी साहब ने कहा कि धारा 370 ऐतिहासिक है, मैं इसके विवाद में जाना नहीं चाहता, मगर मैं जो बिल लेकर आया हूँ वो भी ऐतिहासिक है। इतिहास बनाने वाला बिल 370 के कारण जम्मू कश्मीर के आवाम आज गुर्बत में जी रहे, गरीबी में जी रहे, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता, वहाँ की महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ के दलितों ट्राइबल के साथ अन्याय हो रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार पनप रहा है और 370 की छाया में तीन परिवार ने जम्मू कश्मीर को इतने सालों तक लूटा है। आज हिंदुस्तान की सियासत के इसी चाणक्य का जन्मदिन है। जिंदगी के 59 बसंत देखने वाले अमित शाह को यूं ही सियासत का चाणक्य नहीं कहा जाता, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है। 26 मई 2014, नई दिल्ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वो ऐतिहासिक दिन जब बीजेपी ने हिंदुस्तान की सियासत में सर्वोच्च पद हासिल किया, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे, तब चर्चाएं आम थी मोदी के नाम की। मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे, लेकिन ये सिर्फ मोदी ही जानते थे कि इस जीत का चाणक्य कोई और है, वो नाम है अमित शाह। संघवी हाईस्कूल के बूथ प्रमुख से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की उनकी भूमिका संघर्षमय रही है। जब वो संघवी हाईस्कूल बूथ के प्रेसिडेंट थे तभी से उन्होंने संघर्ष किया, तभी से वो लोग अहमदाबाद के लिए सोचते थे, अहमदाबाद की सोच के बाहर 87 में जब कॉरपोरेशन पहला बना, तब से लेके गुजरात की सरकार और केंद्र की सरकार बनाने में उन्होंने जो संघर्ष किया है, उनके व्यक्तित्व में हर हमेशा के लिए संघर्ष ही रहता है। मोदी को सत्ता के शिखर तक पहुंचाने वाले अमित शाह जब खुद गृह मंत्री बने, तब भी उन्होंने साबित कर दिया कि उनके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। वजह है उनके दमदार फैसले। धारा 370 हटाना हो, CAA में संशोधन हो, NRC को लागू करने की बात हो, IPC की धाराओं में बदलाव की बात हो, नशे के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक हो, ये फैसले वो हैं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अमित शाह को हिंदुस्तान का सबसे धाकड़ गृह मंत्री साबित करते हैं। राज्यों के जब चुनाव आते हैं तो उसके पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपकी पार्टी करती है। एक मिनट रुक जाओ, 1950 से हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे। जी, धारा 370 हटी, कौन सा चुनाव था भाई? राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, कौन सा चुनाव था? ट्रिपल तलाक हटा, कौन सा चुनाव था? हम बिल्कुल मानते हैं कि जो हमने कहा है वो हमने करना है।
तो क्या इसके लिए कोई केंद्रीय कानून लाएंगे, क्या करेंगे इसके लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई केंद्रीय कानून लाएंगे, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, विधानसभा कानून लेकर आएगी, अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाएगा। शाह की सबसे बड़ी ताकत उनका अपना मैनेजमेंट और आत्मशक्ति है। ऊर्जा से हर स्तर पर लबरेज रहने वाले शाह जब बीजेपी के अध्यक्ष थे, तब भी उन्होंने तमाम ऐसे फैसले लिए जिनकी बदौलत बीजेपी बुलंदियों तक पहुंची। उन्होंने बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले कोर ग्रुप को किया सक्रिय, फिर खुद ही मिशन मोड में प्रवास शुरू कर दिए। साथ ही अलग अलग क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की, जबकि दूसरी तरफ नियमित कार्यकारिणी की बैठकें शुरू की गयी। लोकल स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जिला कार्यालय निर्माण करवाया। इतना ही नहीं, बीजेपी मुख्यालय पर नया और आधुनिक कार्यालय की सौगात दी, तो दूसरी तरफ अपने कार्यकर्ताओं को हाईटेक बनाने के लिए प्रशिक्षण महाअभियान चलाए। ऐसी तमाम गतिविधियां तो अमित शाह की अगुवाई में अंजाम दी ही गई, जिसकी मदद से आज बीजेपी बुलंदियों पर है। भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद और केंद्रीय मंत्री भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है, क्या रणनीति है? कोई रणनीति नहीं है, एक चुनाव की दृष्टि से यहाँ के यूनिट को लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से फायदा है, इसलिए उनको चुनाव लड़ाया गया है। आप कह रहे हैं कि आउटसाइडर वर्सेज इनसाइडर का कोई मामला नहीं है और ये विषय खड़ा ही नहीं होता आपके लिए। जिनके पास एजेंडा नहीं है वो ही इस प्रकार के मुद्दे खड़े करते हैं। पर इस विषय से क्या आप भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर लाने की कोशिश है? कोशिश कुछ भी हो, ऐसा कुछ होता नहीं। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, तो पीएम मोदी के लिए ये सारथी हैं। दोनों की जोड़ी भारतीय सियासत की सबसे हिट जोड़ियों में शुमार है, यानी जहां मोदी वहां शाह, जहां शाह वहां मोदी। आगे हम अमित शाह के सियासी संघर्ष को समझेंगे, साथ ही बात होगी उनके राजनीतिक व्यक्तित्व पर। तो बने रहिए न्यूज 18 के साथ।